तो गुड मॉर्निंग इंडिया। तो कॉलेज जाने से पहले वैसे मेरी हालत कुछ इस तरीके की है, बट देखते हैं थोड़े ही टाइम में। तो हियर वी गो, ऑलमोस्ट रेडी टू गो। ओके, सी यू इन द कॉलेज। अगर मैं ब्लॉग कर सका कॉलेज में तो, क्योंकि मैं डरपोक हूँ ऐसे तो, बहुत यार बहुत लोग होंगे वहां पे, तो देखते हैं। सो हियर वी गो। तो मुझे ना यहाँ से बस स्टॉप तक जाने के लिए, ताजो कॉलेज पहुंच पाऊँ, थोड़ा सा चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर के लगभग, लेकिन कोई मिल जाता है आमतौर पर रास्ते में। तो ऐसे ना रोड पे जा जाते मैंने कभी ब्लॉग नहीं किया सच में, मेरे को बहुत परेशानी होने वाली है कॉलेज में सबके सामने बोलने में, सीरियसली। तो देखते हैं वैसे मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं श्योर है, बट अभी भी मेरे को सड़क पे जाते जाते ऐसे बोलना अजीब लग रहा है बहुत। तो ऐसा हमारा छोटा सा बस स्टॉप होता है, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है वैसे तो, लेकिन इस दिन थोड़ी कम भीड़ थी। यार मैंने सुना था कि कोरोना नाम का कुछ होता है, बट पता नहीं क्या होता है। ओके, तो मैं अभी फाइनली पटियाले पहुंच चुका हूँ, और पटियाला में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कि मैंने बस में से भी थोड़े से सीन रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं डालूंगा बीच में। बट मैंने तुम्हारे ब्लॉग के चक्कर में ना, मैं जुत्तियां खाने से बचता हूँ जनी, वैसे मेरे किसी ने पता भी नहीं चला, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है, अगर किसी को लगा, किसी लड़की को खासतौर पर लगा कि मेरी वीडियो बना रहा था तो जुत्तियां पड़नी तय है। लेकिन तुम्हारे ब्लॉग के चक्कर में मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आज के ब्लॉग में डालूं, जो भी होता है कॉलेज को जाने को लेके। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, मैं वैसे थोड़ा आगे जाके खड़ूंगा, वहाँ पे छाए होती है और बैठने के लिए भी जगह है, बट यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लड़का थोड़ा सा नर्वस हो गया और चुप कर गया, क्योंकि पास से एक लड़की निकल रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी बैठा है, और मेरे को ना अभी पब्लिक में रिकॉर्ड करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं फिर भी ये कर रहा हूँ। बट अभी मेरे दोस्तों में से किसी ने भी कदम फोन नहीं उठाया था, फाइनली एक आ रहा है और उसके साथ यहाँ से जाऊंगा, ऑटो के 20 रुपए बच जाते हैं। This is Namuna number one. नाम सतवीर सिंह, कम तो वेला हो गया। तो इसको अभी पता नहीं है कि सच में ब्लॉग बना रहा हूँ, मैंने अभी अभी देव उधार करके साथ इसकी वीडियो बनाई, अभी ये फेस छिपा रहा है, और अब नमूना नंबर 1-2 आ रहा है अभी हाल ही में, और 3 में कॉलेज में मिलवा दूंगा अगर मेरे में हिम्मत रही कि मैं कॉलेज में बात कर सकूं। इसको भी हम वापस भेज रहे हैं, वैसे नमूना नंबर 3 नहीं, बस रहने दे सर। ये है गुरप्रीत सिंह, काम धंधा इधर की दसी है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना। नमूना नंबर 4 बोलो हाय, आज दे हाथ तो पता चल गया मेरी बिल्ली मेनू में हूँ। तो अभी बाइक पे कॉलेज जाया जाएगा, वैसे मुझे इस गधे के सामने ब्लॉग करना ना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, बट इतना है कि दोस्तों के आने से थोड़ा सा हौसला हो गया पहले से बेटर। अभी मैं ना सड़क पे भी ब्लॉग कर रहा हूँ, पहले आते वक्त तो मैं शर्मा रहा था सड़क पे ब्लॉग करने से, बट अब पता है कि अगर बेइज्जती होगी तो सबकी एक साथ होगी। तो ये जो यहाँ पे बंदे थे ना, ये रैंडम थे, हम इनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, पता नहीं कैसे इन्होंने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख लिया और ऐसे हाथ उठा के चले गए। तो फाइनली कॉलेज का ये फर्स्ट गेट है, इसके बाद सेकंड वाला गेट आता है, सेकंड वाला अच्छा है यार, ये सेकंड वाले पे लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट में इंदिरा कॉलेज। यहाँ पे ये पार्किंग है, लड़कों की पार्किंग के साथ हमें वैसे हमेशा ही इंडिया में लड़कों के साथ बुरा ही होता है, अन्याय। उधर लड़कियों की स्कूटीज के लिए ना ऊपर से उन्होंने छत भी डाली हुई है, यहाँ पे हमारे बेचारे ऐसे ही खड़ते हैं। वाह मेरी हिंदी। ओके, तो फाइनली हम कॉलेज में पहुंच चुके हैं, और इसके आगे वाला पार्ट मैं ऐसी हौली हौली आवाज में बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत है ऐसे तो, वीडियोस बनाने के मामले में ओवर कॉन्फिडेंस फुल टू हटा। कृपया ग्राहक सुने, थोड़ा सावधान रहा कीजिए, जैसे ये कॉलेज बाहर से इतना सुंदर लगता है ना, अंदर से इतना भी सुंदर नहीं है। कॉलेज का इतिहास दिखाता हूँ, वैसे तो वहाँ पे इतिहास दिख रहा है, जूम करके इतिहास दिख रहा है। तो यहाँ पे पोस्ट है, कई बार कोई सतवीर जैसा आतंकवादी यहाँ पे लड़ाई करने लग जाता है। तो यहाँ पे यार आप देख सकते हो कि ये कॉलेज अंग्रेजों के जमाने का है, एक तरह से एंटीक पीस है, लेकिन इसकी अच्छे से संभाल नहीं की गई बेचारे की, बट कॉलेज फेमस बहुत है ये पटियाला में।
ये जो सिक्योरिटी देखने को मिल रही है ना, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ईवीएम्स रखी गई थी इसलिए काफी सिक्योरिटी थी हमारे कॉलेज में। इस कॉलेज को ना वैसे मैं बता दूं कि पढ़ाई के अलावा बाकी सभी कामों के लिए अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ पढ़ाई में कमी रह जाती है। इतनी सारी मूवीज रिकॉर्ड हुई हुई है यहाँ पे, छोड़ दो बातें, रिकॉर्ड नहीं मूवीज बनी है यानी कि, और गाने भी सब कुछ। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे हेलो करते हैं सबसे पहले। तो अभी कॉलेज में आने के बाद ना सबसे पहला काम क्या होता है वो सतवीर बताएगा। मैं किस तरह हूँ, सतवीर को शर्म आती है, मैं बताता हूँ। यही था मेन काम, सबसे पहले वॉशरूम के दर्शन होते हैं कॉलेज आने के बाद। ये सतवीर ने ना पार्टी देनी थी लेकिन उसका बटुआ वॉलेट देख लो यहाँ पे खाली, कुछ भी नहीं, 10 रुपए लेके आया है सिर्फ, वो भी यहाँ पे पार्किंग के देने के लिए। यहाँ पे ना एक घटना हुई थी हमारे साथ, रुक जा सतवीर। हम लोग ना यहाँ पे बैठे टेलर स्विफ्ट की लव स्टोरी सुन रहे थे, यहाँ पे प्रोफेसर आए थे एक, वो उसको बताए। हमारी अच्छे से क्लास लगी थी उस टाइम। ये सब अब अपने सारे के सारे घटिया फंक्शंस यहीं पे होते हैं। घटिया क्यों कह रहा हूँ, वो सतवीर को पता है। ये उनका ऑर्गेनाइजर होता था पहले, सही है। एक 26 मार्च को लिटरेरी सोसाइटी का फंक्शन हुआ था, अभी उसके बारे में डिटेल कभी फिर बताएंगे। ये लाइब्रेरी है हमारी इधर। अगर कॉलेज में वीडियो बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो और बीच में वॉशरूम में ब्लॉग ना करे तो उसका क्या फायदा। ये दोनों अपना मुंह छिपा के निकल लिए थे तभी जब मैंने कैमरा ऑन किया। ये है नमूना नंबर 4, जसविंदर सिंह नाम और काम धंधा इसका स्टूडेंट यूनियन में। काफी क्या कहते हैं वो, काफी वो उच्चतम नहीं active, यार तू दस जसविंदर यार active. हाँ एक्टिविस्ट। पता है ये क्या करता है, इतने इतने सारे बंदों को तो लेक्चर देने से डरता नहीं सामने, लेकिन यहाँ पे कैमरे के सामने आने से डर रहा है सीरियसली। माइक लेगा, बहुत बड़ा स्टेज है, शुरू हो जाए तो सारे पूछ दे। तो अभी मैं आपको ना हैरी पॉटर करके दिखाऊंगा। मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ। ये इधर क्लास लग रही है वैसे ऊपर पूरे अपना। ये भाई ऐसा लगता है ना किसी भूतिया घर में घुस गए, म्यूजिक लगा दिया सीरियस। और यहाँ पे भूत रहते हैं, तुम लोगों को नहीं पता सच में। हैरी पॉटर पूरे गूंजता कह रहा दोबारा। ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं अभी जसविंदर भी हूं देख गया फाइनली। तो ये मैं ही बोल रहा था, सच में बता रहा हूँ, सतवीर प्रूफ देगा। यहाँ पे प्रूफ के चक्कर में उधर टीचर खड़े हैं भाई। ये हालात हैं यहाँ से कॉलेज के देख लो ऊपर से। वैसे तो नीचे क्लासेस अच्छी भी हैं बट ये ऊपर जाती है, इतनी ऊंची मीनार है यहाँ पे। यार किसी गेम का ही पुराना सीन नहीं लग रहा, तो इधर ही बना वीडियो उधर देख लो। ये हालत तो इंडियंस की रहेगी हर जगह टोटली, ऊपर से देखो सच में ऐसा लग रहा है ना किसी हॉरर गेम का सीन हो। थोड़ी सी रात होनी चाहिए थी यहाँ पे ओपी। भाई यार हद है यार, हमारे जैसे सिंगल लोगों को जलाने की कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अभी यहाँ पे ऊपर जाने की सलाह तो बन रही है हमारी, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो ये पहली बात तो ये कह रहे हैं हिलता बहुत है, और दूसरी बात हमारे आई कार्ड पकड़े जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। मुझे तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा ये कॉलेज से ज्यादा घूमने वाली जगह लगती है, तो ऐसा ही है, बहुत ज्यादा पुराना है। 1800 कितने में बना हुआ था मैंने दिखाया पहले ब्लॉग में, और यहाँ पे क्लासेस लग रही हैं, जुत्तियाँ खाने के पूरे पूरे चांसेस। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई हुई है। वैसे ये बैडमिंटन कोर्ट है, सही बात थोड़ा। तो यहाँ पे फोटो खींचते वक्त 3 इडियट लगना भी जरूरी था, इसीलिए उसकी लात मैंने दूसरी साइड को करवानी थी, और चौथा इडियट इस वक्त फोटो खींच रहा था। तो ये है कॉलेज का मेन गेट जहाँ से हम बहुत कभी कभार एंट्री मारते हैं।
तो पूरे कॉलेज में से अगर सबसे खतरनाक कोई जगह थी ना वीडियो रिकॉर्ड करने को, तो वो ये जगह थी। ये हॉल में ना सिर्फ लड़कियों का जाना अलाउड है, और यहाँ पे वीडियो बनाना इक्वल्स टू छित्र खाने वाली हरकत थी। बट सतवीर ने ये हिम्मत की, जिसके लिए मैं उसका बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं करता। भाई कॉलेज में आके ना मम्मी घर से भेजती है कि पढ़ के आना। पहले तो इतनी बार इतनी इज्जत, घर में इतनी सी इज्जत बची है कि जब भी कॉलेज जाएंगे पहले कहते हैं कि आज पढ़ के ही आना, क्योंकि पता ही है हम लोग की लेक्चर्स तो लगने नहीं। और सीरियसली हम क्लास में यहाँ पे बैठे हैं, चार लेक्चर लगते हैं हमारे टोटल में, लगने होते हैं, जो लगते नहीं है उनमें से आज अभी तक दो लेक्चर्स हो चुके हैं और दोनों नहीं लगे। और एक लेक्चर जो मैम हमारे थोड़े से रेगुलर है वो बेचारा लास्ट पे लगता है बिल्कुल एंड में। तो सरीना और अरीना देख भाई क्या है, अब हद होती है यार। अगे मैं दो बात बोल नहीं चाहता, क्लास में बैठा। तो यहाँ पे ना मैंने अपनी जान पे खेल के यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी हमारी क्लास में, जब लेक्चर चल रहा था सर का, ताकि आप लोग देख सके कि कैसे से लगती है हमारी क्लासेस। तो दोस्तों मैंने इस दिन तक जिंदगी में कभी भी गोला नहीं खाया था, मेरा फर्स्ट टाइम था। और ये फैसला मैंने अचानक लिया और अच्छा लिया, लेकिन मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट फैसलों में से एक फैसला था ये। तो मुझे नहीं लगता पता कि मैं ब्लॉग में कितनी सारी चीजें फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ये गोला भी आप लोगों के लिए कितना फेमस है मुझे नहीं पता, बट मैं फॉर द फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ आज इसे। और ये खत्म ही होने पे आता, अब से पहले मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, क्यों वो सतवीर दस्तू क्यों हो गया था। अभी अभी एक घटना होके आती है अर्श, बस जब भी तू देखेंगे ना ये ब्लॉग तू याद रखना, किसी और को नहीं पता। सतवीर देखेगा इसको भी पता होगी, और गुरप्रीत देखेगा तो इसको भी पता होगी। वैसे घटना रहने देते। तो बस यार यहीं तक था हमारा ये ब्लॉग आज का, और मैं अभी पूरी तरह से थक चुका हूँ ऑलमोस्ट। कॉलेज में आते हैं, लेक्चर वगैरह सिर्फ दो लगे आज हमारे, चार लेक्चर्स ओरिजिनली हैं, लगे दो ही हैं। नहीं करूँगा मैं, अभी बस में जाना है, बस वही बोरिंग नहीं मतलब थकावट वाले तरीके से, इतनी बेकार तरीके से बस में जाना है। घर वापस फिर जाके मैं आराम की जिंदगी शुरू होगी। ये कॉलेज वाला मेरे को इतना पसंद नहीं है, कुछ खास नहीं होता। तो बस दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये ब्लॉग यहीं तक था। ये जानबूझ के ना मेरे को तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच बीच में। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने बाहर ऐसे पब्लिक में ब्लॉग बनाया है, तो मुझे पता है मैं काफी डरा हुआ भी हूँगा बीच बीच में, पता नहीं मैंने कैसे कैसे बनाया है, जो भी किया है बट किया है। तो बस जैसा भी लगा हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा, फिनिश करते हैं आज को।